है गाइस, मैं हूं रीना और आप देख रहे हो आरएस न्यूज़। तो चलिए गाइस, बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो गाइस, बिग बॉस के घर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अरमान मल्लिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ मार दिए हैं। पर ये थप्पड़ क्यों मार दिया है, मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया है। अब गाइस, यहाँ पर जिस तरह से अरमान मल्लिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ मारा था, तो काफी लोगों का यही कहना था कि ये गलत है और ये बिग बॉस के रूल के खिलाफ है। और काफी लोग बोल रहे हैं कि आखिर वो कैसे इस तरह से किसी को मार सकते हैं, वो भी बिग बॉस के हाउस में। और सभी बोल रहे हैं कि ऐसे इंसान को बिग बॉस के घर से बाहर निकल जल्दी ही निकलना चाहिए। और गाइस, इस पर अब एलविश यादव का भी रिएक्शन आ गया है। और एलविश यादव ने इस पर, यानी कि अरमान मल्लिक विशाल को जो थप्पड़ मारा है, इस पर अपना रिएक्शन दे दिया है। तो क्या बोला उन्होंने, चलिए मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाती हूँ। देखो, मैंने अभी ना, मेरे पे यहाँ पे जियो सिनेमा तो चलता नहीं, तो मैंने ट्विटर पे देखा, वहाँ पे देखा कि विशाल के थप्पड़ टिक गया। मैं कह रहा हूँ यार, ये हाउ इज दिस पॉसिबल। Are you guys watching Big Boss? Yeah. Yeah. तो उसमें भाई जो विशाल है ना, विशाल के थप्पड़ टिक गया भाई। बहुत जोर से लगा होगा। मैंने तो ऐसा सुना है कि उसने अरमान की बीवी को छेड़ा है ऐसा। नहीं, that's wrong. अरमान की बीवी को छेड़ना is very wrong statement. उसने बोला कि मुझे भाभी अच्छी लगती है। और वैसे भी कोई किसी को नहीं छेड़ता जब तक कोई छिड़वाना ना चाहे। नहीं, छेड़ा तो है ही नहीं बंदे ने, छेड़ा तो है ही नहीं। नॉर्मल बात है। अब मुझे एक बात बताना, इफ आई लाइक समबडी और मैं कन्फेस करता हूँ कि यार ये अच्छी लगती है मुझे, तो एक गलत स्टेटमेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। इट इज कॉलिंग यू नो एप्रिशिएटिंग द रियल ब्यूटी। इस पे थप्पड़ खाना इज रॉन्ग। जो उसको थप्पड़ लगा वो कह रहा है कि मारा कैसे, तो इस हिसाब से बिग बॉस को उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि भाई तभी लेगेसी कंटिन्यू होगी। कि नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि भाई थप्पड़ मारते रहो, घर में रहते रहो। समझ रहे हो, पिछली बार अभिषेक का हुआ था, इस बार अरमान का हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भाई इट्स रॉन्ग। अरमान को घर से बाहर निकलना चाहिए, फिर स्लैप्ड। अभी आज के एपिसोड में पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। बाकी भाई मैं तो कंडेम करता हूँ सिचुएशन को, कि थप्पड़ नहीं लगना चाहिए था। बट विशाल ने जो किया वो उतना भी वो नहीं था, ही कन्फेस्ड की भाई। उसने बोला, अनिल कपूर जी हमारे कह रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं विशाल को बेइज्जत कर रहे हैं, भाई वो सही नहीं है। वो भी चीज मेरे को गलत लगी, पर चलो वो तो भगवान जाने भाई क्या सही क्या गलत है। बट विशाल, आई एम विद यू भाई। तो गाइस, एलविश यादव तो विशाल को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? आप लोगों के नज़र में कौन सही है और कौन गलत? तो आप लोग आपका राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता देना। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय।